हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्णेंदु और आप सबका स्वागत है मेरे लैब्स गार्डन यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया एक ऐसा प्लांट जो गार्डन की राजा कहलाता है और इसका नाम बोगनविला ग्लाबेरा। लेकिन इसका और भी बहुत सारा नाम है और वो है पेपर फ्लावर, बोगनविलास और फ्लावर मैशन भी कहलाता है। इस प्लांट की बहुत सारे प्रजाति मिलते हैं और 300 से भी ज़्यादा इसका वैरायटी भी मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अगर आप गार्डनिंग शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहले ये प्लांट लगाकर आप गार्डनिंग शुरू कर सकती हो, क्योंकि इससे कम केयर करने वाले प्लांट आपको मिलेगा भी नहीं। तो जो लोग काम में बहुत बिजी रहते हो और फूलों का बागवानी करना चाहते हो लेकिन ये सोचते हो कि हमारे पास समय नहीं है, तो आप इस प्लांट को जरूर लगाइए, क्योंकि ये प्लांट बहुत ही कम केयर में ग्रो किया जाता है। और एक अच्छी बात यह है कि ये बहुत कम केयर में भी बहुत सारे फूल देती है। तो जैसे मैंने कहा है कि इस प्लांट को फ्लावर मशीन भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लांट साल में 8 से 9 महीने तक फ्लावर देते रहते हैं। तो चलिए पहले इसको लगा लेते हैं और इसके केयर के बारे में भी जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिले। तो फ्रेंड्स, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट लगाने के लिए उसके लिए उसका मिट्टी तैयार करके रखना पड़ता है कम से कम 15 से 20 दिन पहले। तो आप देख सकती हो, ये मैंने कम से कम 20 दिन पहले इस प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करके रखे थे। तो आप भी कम से कम 15 या 20 दिन पहले उसके लिए मिट्टी तैयार करके रखिए। तो मैंने यहाँ पर 60% मिट्टी ले लिया है। आप कोई भी मिट्टी ले सकती हो, आपके पास जो कोई भी मिट्टी हो ले सकती हो। उसके साथ 30% कंपोस्ट मिलाया है। मैंने यहाँ पर काउडंग का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप कोई भी कंपोस्ट ले सकती हो। उसके साथ 10% आप कोई भी रेत मिला सकती हो, बिल्डिंग करने वाले जो रेत है रिवर सैंड वही इस्तेमाल कर सकती हो, या जो सिल्वर सैंड है जो नदियों में मिलते हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो 10%। और उसके साथ आप 2 मुट्ठी बोन मिल और 1 मुट्ठी पोटाश का इस्तेमाल कर सकती हो। यहाँ पर मैंने जो केमिकल वाला म्यूनिट ऑफ पोटाश मिलते हैं उसका इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं पॉट सिलेक्शन में। तो मैंने यहाँ पर एक 8 इंच का मिट्टी का पॉट ले लिया है, क्योंकि ये बोगनविला प्लांट लगाने वाला हूँ। तो बोगनविला प्लांट को हमेशा प्लांट के हिसाब से थोड़ा सा छोटे पॉट में ही लगाइए, क्योंकि ये प्लांट रूट बाउंड बहुत ही पसंद करती है, इसलिए हमेशा थोड़ा सा छोटा पॉट ही इसके लिए अच्छा होता है। लेकिन आप 1 फुट या 1.5 फुट का पौधा लेकर आते हो तो उसे आप 6 इंच पॉट में ही लगाइए। तो चलिए आप इस पॉट की अच्छी सी ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, जो हर प्लांट के लिए करना ज़रूरी है। तो ये जो आप होल देख रही हो, इसके ऊपर हम इस टिकली को रखेंगे। तो ये जो आप टोन चिप देख रहे हो, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसके बदले में छोटे छोटे जो ग्रेबल्स पाया जाता है आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तो इससे 1 इंच तक एक लेयर बनाना है ताकि मिट्टी बाहर ना जा पाए।
तो आप ये देख रहे हो, ये रिवर सैंड है जो बिल्डिंग बनाने में काम आती है। इससे ये जो ग्रेवल्स या जो टोनशिप है इसको ढक देना है। इसका देने का कारण ये है कि पानी के साथ मिट्टी भी बाहर ना जा पाए और होल को बंद ना कर दें। तो आप ये देख रहे हो, ऐसे बनाना है आपको। अब इस पॉट को मिट्टी से भर लेंगे। तो एक साथ आप ज़्यादा मिट्टी मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा मिट्टी देकर उस मिट्टी को प्रेस करके एयर पॉकेट बाहर निकलकर आप इस पॉट को भरना है। अब इस प्लांट को इस प्लास्टिक बैग से बाहर निकल लेते हैं। आप इस प्लांट की जड़ों के ऊपर से थोड़ा सा मिट्टी हटा रहे हैं, क्योंकि ये मिट्टी मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा। आप ऐसा कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो। अब इस प्लांट को बिठा के देख लेते हैं कि और मिट्टी देना होगा कि नहीं। तो मुझे लगता है और मिट्टी नहीं देना पड़ेगा। तो हम मिट्टी डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं प्लांट की नीचे की ओर मिट्टी प्रेस करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप इसकी जगह हाथ से भी कर सकती हो। तो यहाँ पर प्लांट को लगाना हो चुका है, आप देख सकते हो। तो कोई भी प्लांट लगाने के बाद आप उसमें पानी जरूर ऐड कीजिए, और उतना पानी ऐड कीजिए ताकि प्लांट की जो मिट्टी है, जो गमले की जो मिट्टी है, वो पूरा भीग जाए और ड्रेनेज सिस्टम से पानी बाहर निकल आए। तो फ्रेंड्स, कोई भी प्लांट लगाने के बाद आप उस प्लांट को कम से कम 5 दिन या 6 दिन के लिए शेडी एरिया में रखना पड़ेगा। तो आप भी इस प्लांट को 5 या 6 दिन के लिए शेडी एरिया में रखिए, उसके बाद आप इसको धूप में रखेंगे। अब आते हैं इसके पानी के बारे में। तो ये प्लांट ज़्यादा पानी पसंद नहीं करता। आप ध्यान में रखेंगे, अगर आप इस प्लांट में ज़्यादा पानी देंगे तो ये प्लांट फूल नहीं देगा और ये ग्रो ही करता जाएगा। तो आप इसकी ऊपर की मिट्टी जब सूख जाए तभी आप इसमें पानी ऐड करिए। तो अगर आप पानी देना भूल जाते हो और आप काम में बिजी रहते हो तो भी ये प्लांट आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ये रोज़ रोज़ पानी नहीं मांगता। तो
तो आप बात करते हैं इसके फर्टिलाइजर की। तो ये है मस्टर्ड केक, ये है बोन मील और ये है बनाना पील फर्टिलाइजर। तो इस 8 इंच गमले के लिए 2 चम्मच मस्टर्ड केक पाउडर, 1 चम्मच बोन मील और 1 चम्मच बनाना पील फर्टिलाइजर आप हर 25 दिन या महीने में एक बार दीजिए। लेकिन अगर आप केमिकल वाला फर्टिलाइजर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आधा चम्मच DAP और 1 चम्मच पोटाश हर 25 या 30 दिन में आप दे सकते हो। अब बात करती है इसकी सनलाइट की। तो ये प्लांट बहुत ही धूप पसंद करती है। अगर आप इसको 8 घंटे तक धूप में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी ग्रो करेगा और बहुत अच्छी फूल भी देगा। तो ये प्लांट फ्लावर नर्सिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे फूल खिलते हैं, और फूल खिलते हैं इसलिए क्योंकि इसको बहुत धूप ज़रूरत होती है। तो आप छत पे या गार्डन में ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पर इसको पूरे दिन तक धूप मिले, और इसको जितना धूप मिलेगा ये उतना ही फूल देगा। तो फ्रेंड्स, आप बात करती है इसके कीड़े मकोड़े के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस पर कोई भी कीड़े मकोड़े के अटैक नहीं होता, कोई बीमारी भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो कोई भी पेस्टिसाइड या कुछ भी फंगिसाइड इस्तेमाल करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस आप 1-2 दिन अंतर पानी दीजिए, महीने में एक बार खाद दीजिए और इसको धूप में रखिए। बस यही है इसका केयर। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए।